पिछले साल गोभी के बिया गिरली आई आ पैसा लगली, बहुत महंगा बियो रहे आ ओकरा बाद जामिनेशन भी ओकर सही न भेलै आ जे जमलै आ ओ जमला के बाद ओहिमे गलका पकड़ लेलकै। अच्छा, गलका पकड़ लेलकै और हम की बता, हमरा मन न करैए कि बिया गिरैती से की करिए। एकर मतलब दीदी अहाँ बीज उपचार न करै छियै? दीदी बीज उपचार कैसन होइ छै, हमसब तऽ न करै छियै। हमसब बीज गिराबे से पहले बीजा मित्र में उपचार करै छियै, हमसब तब जाके गोभी बीज नर्सरी बेड पर लगबै छियै। अहाँ सब बीजा मित्र से उपचार करके गिरबैत होबै तऽ अहाँ सबके बीज अच्छा होत होत, जामिनेशन अच्छा होत होत। बीज गिराबे वाला छियै लेकिन हमरा पास तो बीजा अमृत न है। हमरा घरे तो बीजा मित्र हेबे करे, हम अपना घर से लेके बता दे, अहाँ गिरा ले वैसे। दीदी बीजा अमृत हमरा लाइए दो, हम बीज गिराबे वाला छी और तरीका बता दे। हम अति बीजा मित्र आन दे छी, बाकी सामान अहाँ लेकर रखू। बीजा अमृत लाबे हम जा रहल छी घरे, अहाँ सारा व्यवस्था करके रखू। ठीक है दीदी, आओ जल्दी। आ गया, यहाँ के इंतजारे करते रहिए, सब सामग्री सब देखियो ना, सब धोके इंतजार करे छी। आ गेली बीजा अमृत लेके। हाँ, जे सामान कहलिए से सारा व्यवस्था हम रखले छी। दीदी कितना गोभी के बीज है? दीदी गोभी के बीज तो 10 ग्राम लाल छी। दीदी देसी है कि हाइब्रिड? ये तो देसी है। दीदी आई 10 ग्राम बीज से कितना खेत रोपतै? 2 से 2.5 कट्ठा रोपा जाए। आ उपचार के तरीका अहाँ के हम बता रहल छी, 10 ग्राम बीज में 10 ml बीजामृत डालल जाए छै। दीदी डाल रहल छी हम बीज में बीजामृत। गोभी के बीज के कितना देर तक ले बढ़ाबे? मान के चलू ना दीदी 5 से 10 मिनट तक। अमृत में बीज डालला से की फायदा है? गोभी के बीज उपचार कला से 2 फायदा है दीदी। पहला फायदा, बीज रोग मुक्त हो दीदी से पौधा के जन्मेशन अच्छा हो। तो बीज उपचार करना बहुत जरूरी है दीदी। अब तो बीज बड़ा गए, अब चलू खेते में बता दे नर्सरी बेड कैसे लगे छे से। हाँ तो चलू दीदी चलू, अब तैयार हो गई सब कुछ। दीदी यह खेत है, इसी में यही में बीज गिराबे दीदी? हाँ दीदी यह खेत बनेले छी बीज गिराबे लाखो भी। एमे 5 किलो घन जीवा मित्र छिटू दीदी। ग्राम बीज के लेल 10 फीट लंबा आ 5 फीट चौड़ा तैयार करे के लेल होत बेड। हाँ दीदी पहले नाप ले छिए कि 10 फीट आ 5 फीट लंबा चौड़ा है कि न है। गोभी के बीज गिराबे के लेल बेड हम तैयारी कर ले छी। लंबाई तो दीदी 10 फीट हो गेलै। लंबाई तो हो गई दीदी, अब चौड़ाई नाप ले छी 5 फीट। चलू ठीक है, 5 फीट पूर गेला। बेड के चारों तरफ नाला बनाना बहुत जरूरी है। नाला से की फायदा है दीदी? नाला बनाने से 2 गो फायदा है। पहला फायदा यह है,
कि बेड पर ज्यादा पानी होए के लेल नाला माहे बह जाए। दूसरा फायदा है कि पौधा पर नुकसान कोई चीज न पहुँचत। सिंचाई करे में सुविधा होत दीदी। बेड के ऊंचाई 6 इंच रहे के चाहिए दीदी। 6 इंच है दीदी, देखो यहाँ पर नाला के गहराई 6 इंच हो के चाहिए दीदी। बेड अब तैयार हो गए, बिचरा गिरा लू। अच्छा बताओ ना दीदी, जैसे जैसे बताओ तैसे ये नहीं गिरा भाई। 2 इंच के दूरी पर नाला चीर के आ वही में तुरी लगा देवे। दीदी कैसे बीज गिरते से? अब एकरा अच्छा से मिला के आ केरा के पत्ता से झांक दू। 1-2 दिन के बाद केरा के पत्ता हटा दे आ झरना से पानी पर डाल देवे। ठीक है दीदी, देखो ऐसे मिलाओ। उनका पास लेना जाइए वही तरफ से बोलिए। पत्ता हटा के आता 2 दिन के बाद पानी में पटा दे झरना से। बीज उपचार और नर्सरी बेड के बारे में इतना जानकारी दिली है, एकरा लेल धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी।